प्रॉब्लम नंबर वन पॉइंट वन फ्रॉम ग्रिफिथ फोर एडिशन बुक शो डेट द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेडर्स आर कॉरप्लेनर जब कॉपलेनर है तो उसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे एक वैक्टर मैंने ले लिया वैक्टर ए वैक्टर बी वैक्टर सी और ये तीनों वेक्टर्स क्या है कॉपलेन अब अगर इस वेक्टर का वेक्टर ए का मैं प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं तो वो किस तरफ होगा इस तरह और अगर वेक्टर सी का मैं प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं तो वो मेरे पास इस तरह से बनेगा जो एंगल बी और ए आप इसमें बना रहे हैं वो एंगल होगा थीटा वन और इसको अगर मैं इस तरह से एक्सटेंड कर दूँ ये क्या है यही वाला एक्सेस तो ये एंगल जो बनाएगा वो होगा थीटा टू और अगर इनका रिजल्टेंट ड्रा करूँ तो वो क्या होगा बी प्लस सी और ये एंगल जो बनाएगा इसके साथ वो होगा एंगल थ्री अब जब B का प्रोजेक्शन इसके ऊपर बनाएंगे तो वो इक्वल होगा B कोस थीटा B कोस थीटा और वन होगा इसी तरह अगर ये C है तो इसका प्रोजेक्शन जो ये है वही इसके इक्वल होगा तो ये इक्वल होगा C कोस थीटा टू और अगर मैं ये देखूं तो ये वाली चीज़ क्या होगी ये इसका साइन वाला कंपोनेंट होगा तो ये इक्वल होगा सी साइन थीटा टू और बी का ये वाला ये और ये क्या है इक्वल है तो ये इक्वल होगा बी साइन थीटा वन अब ये क्या है बी प्लस सी इस बी प्लस सी का जो प्रोजेक्शन होगा वो यहाँ पे कैसे बनेगा तो b प्लस सी का जो कंपोनेंट होगा वो होगा b प्लस सी कोस थीटा थ्री क्योंकि एक थीटा थ्री बना रहा है और ये क्या होगा b प्लस सी साइन थी साइन थीटा थ्री तो सबसे पहले हम कॉज इसलिए लिया क्योंकि अभी हम डॉट प्रोडक्ट को देख रहे हैं साइन को नहीं देख रहे हैं तो इसलिए हमने वो वाला ड्रा भी नहीं किया तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम देखेंगे ठीक है तो हमने अभी बताना है क्रॉस प्रोडक्ट का सॉरी डॉट सबसे पहले हम बताएंगे डॉट प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट का बनाए बता रहे हैं इसलिए अभी हमने साइन वाला नहीं लिया ये इक्वल है बी प्लस सी कोस थीटा थ्री अगर हम देखें तो वो किसके इक्वल है बी कोस थीटा वन प्लस सी कोस थीटा टू मुझे यहाँ पे ए चाहिए क्योंकि बी भी है और सी वेक्टर भी है मेरे पास क्या है ए वेक्टर नहीं है तो मैं क्या करूँगी मल्टीप्लाई ए ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई वेक्टर ए ऑन बोथ साइड ए वेक्टर बी प्लस सी थीटा थ्री इज इक्वल्स टू यहां पे लिख रही हूं अब जब कॉज लगा हुआ है इट मींस की क्या है डॉट प्रोडक्ट है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी तो डॉट प्रोडक्ट तो हमारे पास एसोसिएटिव के इक्वल आ गया तो हम लिख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट इज़ एसोसिएटिव डॉट प्रोडक्ट इज़ एसोसिएटिव नेक्स्ट हम लिखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो बी प्लस सी का जो साइन वाला कंपोनेंट है वो ये सारा है तो ये इक्वल हो जाएगा बी प्लस सी साइन थीटा थ्री तो हम इसे लिखेंगे बी प्लस सी साइन थीटा थ्री इज इक्वल टू सी साइन थीटा टू प्लस बी साइन थीटा वन ठीक है अब हमारे पास यहां पर भी दो वेक्टर्स हैं बी और सी ए वेक्टर नहीं है तो हम यहां पे क्या करेंगे ए वेक्टर को क्या मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जब हम ए वेक्टर जब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की तो जो थर्ड वेक्टर होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है ना दो वेक्टर्स के तो ए वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो साथ साथ उसके यूनिट वेक्टर को भी मल्टीप्लाई करवाना होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर हमें ये बताता है कि ये थर्ड वेक्टर जो आया है वो इन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है तो मल्टीप्लाई ए एन डैश मतलब यूनिट वेक्टर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन एंड सिंपल क्या है यूनिट वेक्टर प्लस ए बी साइन थीटा वन एन यूनिट वेक्टर तो जब एन यूनिट वेक्टर आ रहा हो साथ और साइन हो तो हम उसको क्या लिखते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी ठीक है ए क्रॉस बी हो जाएगा प्लस और ये क्या होगा ए क्रॉस एक क्रॉस सी है ये एक क्रॉस सी और ये एक क्रॉस बी तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव हमें प्रूव करना था कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है तो बाय यूजिंग जब हमारे पास तीन वैक्टर्स हों कोप्लेनर हो तो हमने कोप्लेनर वेक्टर्स लिए और हमने जब इनको सॉल्व किया तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों क्या थे डिस्ट्रीब्यूटिव